मिट्टी में मिली माफिया मुख्तार की सल्तनत। 605 करोड़ की संपत्ति पर चला योगी का बुलडोजर। योगी सरकार अब तक मुख्तार अंसारी की 605 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। प्रदेश सरकार माफिया मुख्तार के साम्राज्य को हर साल 215 करोड़ से अधिक की चोट दे रही है। अब तक मुख्तार गैंग के 292 सदस्यों के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई, 5 का हो चुका है एनकाउंटर। यूपी को माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प लगभग पूरा हो चुका है। कभी पूरे उत्तर भारत को अपने माफिया गठजोड़ से आतंकित रखने वाले मुख्तार अंसारी की पूरी सल्तनत मिट्टी में मिल चुकी है। योगी राज में माफिया के खिलाफ न सिर्फ अदालतों में प्रभावी पैरवी चल रही और एक के बाद एक उसके जघन्य अपराधों की सजा मिल रही, बल्कि कोर्ट से बाहर भी मुख्तार के पूरे माफिया साम्राज्य को तहस नहस करने की कार्रवाइयां लगातार चल रही। इसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी के अवैध तरीकों से बनाए गए 605 करोड़ से अधिक की संपत्ति को योगी सरकार ने जब्त और ध्वस्त करा दिया। योगी सरकार की मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रभावी पैरवी का है नतीजा कि बीते 15 महीने में माफिया को 7 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें उम्र कैद जैसी अधिकतम सजा भी शामिल है। मुख्तार के खिलाफ कुल 65 मामले दर्ज हैं। वहीं माफिया के नेक्सस को तोड़ने के लिए उसके पूरे गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। इसमें उसके 292 सहयोगियों के खिलाफ अब तक 160 मुकदमे दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, उसके 186 सहयोगियों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गैंग के 18 सदस्यों ने किया सरेंडर। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही परिणाम है कि मुख्तार के गैंग के 18 सदस्यों ने तो सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। मुख्तार के माफिया नेक्सस को तोड़ने की कार्रवाई में पुलिस ने 175 अवैध हथियारों को भी जब्त किया। अपने माफिया नेटवर्क के जोर से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने मुख्तार गैंग पर NSA के तहत 6 मामले दर्ज हैं। वहीं माफिया के 5 शूटर्स पुलिस मुठभेड़ में पहले ही ढेर किए जा चुके हैं। हर साल 215 करोड़ की चपत माफिया के आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के लिए धारा 14(1) के तहत 317 करोड़ 97,90,709 रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। यही नहीं, 287 करोड़ 56,810 रुपए की अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। योगी राज्य में अंजाम दिया जा चुका है, यानी अब तक कुल 604 करोड़ 98,47,519 रुपए की माफिया की संपत्ति को जब्त ध्वस्त और कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। सबसे अहम बात यह है कि माफिया के आतंक से चलने वाले ठेका टेंडर और अवैध व्यवसायों पर भी योगी सरकार ने जबरदस्त चोट पहुंचाई। इसका नतीजा यह है कि हर साल माफिया के अवैध धंधों को 215 करोड़ से अधिक की चपत लग गई है।